नमस्कार। और विवेक गुप्ता मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और सिर्फ MBBS काउंसलर नहीं, हम एक करियर काउंसलर हैं, जैसा कि हमेशा कहते हैं। और आज बात करेंगे एक और स्कॉलरशिप की, जिसके अंतर्गत 5 लड़कियां बाय डिफॉल्ट उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है। और ये है सिम्बियोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन में, और ये 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी और 2024 में भी रिन्यू हो गई है। तो ये मैंने आपके सामने होम पेज खोल रखा है इस मेडिकल कॉलेज का, विच इज़ अंडर सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी। और मैं इस कॉलेज में विजिट किया था मैंने 3 4 महीने पहले, जनवरी में, और उसका वीडियो मैंने डाल रखा है इसी चैनल पे, आप ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि फीस क्या है। देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट और डेफिनेटली द चीपेस्ट ऑप्शन अंडर MCC काउंसलिंग, लेट मी यूज़ दिस वर्ड। क्योंकि जहाँ तक बात है चीपेस्ट कॉलेज की, वो तो जैसा हम जानते हैं केरल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट अदर देन केरल आई थिंक अब कोई भी और नहीं है जो 10 लाख पर ईयर की फीस ऑफर कर रहा है। छत्तीसगढ़ और कर्नाटका भी धीरे धीरे बढ़ चुके हैं। सो वैसे देखा जाए तो बहुत महंगा पड़ता भी नहीं है। इनका जो टोटल पैकेज है वो फीस का, वो तो 45 लाख रुपए ही है, और हॉस्टल और मेस वो भी फिर भी रीजनेबल है, 86 हज़ार और 15 हज़ार पर मंथ जो कि यहाँ लिखा हुआ है। बट अब इंटरेस्टिंग बात, आप स्कॉलरशिप पे आते हैं, द नेम इज़ डॉक्टर आनंदी गोपाल स्कॉलरशिप। और जिस स्कॉलरशिप में पूरा आपका फ्री हो जाता है पढ़ाई 5 साल तक, और ये है उसकी डिटेल्स, 9 पेज की, आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। अब देखिए, आपको कुछ दिनों पहले मैंने मणिपाल की स्कॉलरशिप बताई थी, उसमें ध्यान कीजिए राउंड 1 पे रिपोर्टिंग का बड़ा फोकस था, और उसमें ये भी था कि भाई 0 से 500 नीट रैंक, 500 to 5000, और फिर 10,000, तो 3 टाइप की स्कॉलरशिप थी। एक में सब कुछ माफ था, एक में ट्यूशन फी माफ थी, और एक में ट्यूशन फी का 50% माफ था, याद है? नहीं तो इसी चैनल पे आप ढूंढ लीजिएगा कस्तूरबा की स्कॉलरशिप्स। ये थोड़ी डिफरेंट है, इसमें 5 स्कॉलरशिप देंगे देंगे, जो भी नीट रैंक हाइएस्ट इनके पास आएंगे थ्रू जर्नल सीट। NRI वाले भी क्यों ही आएंगे, क्योंकि NRI की फीस तो बहुत ज़्यादा है, $40,000 पर ईयर। सो सिम्बोसिस की NRI फीस इज़ वेरी हाई, नॉर्मल फीस इज़ वेरी लो। अब ये लोग राउंड 1 में नहीं देखेंगे, ये देखेंगे सारे एडमिशन खत्म होने के बाद। दिक्कत क्या हो जाती है कि आप अगर ये सोच के यहाँ एडमिशन ले, सरकारी सीट छोड़ते हुए, मैं तो ये भी बोलूँगा कि यार बाद में स्कॉलरशिप, मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है क्योंकि आपने राउंड 1 या राउंड 2 की अलॉटमेंट देखी, तो राउंड 3 तक आते आते आपसे ऊपर के मार्क्स की लड़कियों ने अगर एडमिशन ले लिया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो इनका असूल ये है कि जब एडमिशन खत्म हो जाएगा तब ये टॉप 5 देखेंगे। विजाविस कस्तूरबा वाली थी जो 1 था, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्लानिंग से चले। देखिए फिर से वंस अगेन, कस्तूरबा में तो हमने देखा ही था कि वो दे ही रहे 10,000 नीट रैंक था। वो 10,000 नीट रैंक का मतलब ये होता है कि कस्तूरबा तो उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी जो अपनी गवर्नमेंट सीट छोड़ के आ रहे हैं, राइट? क्योंकि उस रैंक तक तो आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट पक्का मिल जाएगी। सिम्बियोसिस दे रहे हैं NE5, तो चाहे सिम्बोसिस में आप सरकारी ट्राई मारने के बाद जाएं तो भी ये आपको स्कॉलरशिप देंगे। इन्होंने कोई ऐसा नीट रैंक का क्राइटेरिया नहीं रखा है, तो जो भी इनके पास आएगा उसको टॉप 5 में मिलेगी। तो पहले समझाता हूँ कि किसको लेनी चाहिए सीट। डेफिनेटली देखिए, अगर आपको सरकारी सीट मिल रही है सरकारी ले लीजिए, और सरकारी सीट छूटने के बाद आपको मालूम है कि यू कैन इजिली अफोर्ड प्राइवेट, एंड देन ठीक है, यू कैन, आपके मार्क्स हैं 605 610, सरकारी मिस कर रहे हैं आप, और आपको लगता है कि बजाय कि कस्तूरबा जाने के, क्योंकि वहाँ तो स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, हम यह ले लेते हैं, चांस लेते हैं, मिल गए स्कॉलरशिप तो भी ठीक है, नहीं मिली तो 60 लाख का टोटल खर्चा तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। किसको नहीं लेना चाहिए, इस समटाइम देर आर स्टूडेंट्स जो बिल्कुल इस चक्कर में है कि भाई हम प्राइवेट फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। लेट से आप बच्ची के नंबर अभी 596 हैं, राउंड 1 के अलॉटमेंट में आपको लगेगा कि आप तो टॉप में हो, जब अलॉटमेंट आएगी आप चेक कर सकते हो। वो चेक करने के बाद आपने सोचा कि यार मैं सीट ले लेती हूँ क्योंकि मैं तो नंबर 2 या नंबर 3 हूँ जो सिम्बोसिस के लौटी है। पर जैसा मैंने कहा कि राउंड 2 या राउंड 3 में भी अगर आपसे ऊपर नंबर के बच्चे आ गए तो वो स्कॉलरशिप आपकी कैंसिल हो जाएगी, और आप अगर राउंड 1 या राउंड 2 में सीट लेके बाहर हो चुके हो तो आप थोड़ा फंस जाओगे, है कि नहीं? तो इस समय पे आप क्या करो, तो इसी समय पे आपको राउंड काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर से मैंने कहा कि अगर 2023 की मैं रूल्स की बात करूं, जहां पर मॉप अप राउंड बदल के राउंड 3 हो गया था और राउंड 3 तक अपग्रेडेशन अलाउड था,
मॉप अप में नहीं होता था, 2022 तक मॉप अप था, तो 2022 में रूल ये आया था कि राउंड वन टू राउंड टू तो आप जा सकते हो, बट राउंड टू में जो भी आपके पास सीट थी उसको लेके आपको बाहर होना था काउंसलिंग से। लास्ट ईयर इन्होंने 2023 में राउंड तीन कर दिया था, विच मीन्स वन टू टू, टू टू थ्री तक आप जा सकते हो, दैट मीन्स कि आप राउंड टू के बाद विड्रॉल भी कर सकते हो। तो इस तरह की ना काउंसलिंग की बारीकियाँ होती हैं जिसके हिसाब से आप देख सकते हो कि शुड आर यू अश्योर्ड ऑफ दिस स्कॉलरशिप और नॉट, और व्हाट शुड आई डू। कि समटाइम ये पॉसिबल है कि आप सिमबी में तभी जाए कि जब आपको लगे स्कॉलरशिप मिल रही है, अगर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो मैं 60 लाख सिम्पोसिस पे देने के बदले 80 लाख कस्तूरबा में देना पसंद करूंगी, या मैं 90 लाख JLN बेलागावी में देना पसंद करूंगी, या कर्नाटका का स्टेट कॉलेज मेरे को मिल रहा है बेंगलोर शहर में कैम्बेगौड़ा एक्सेट्रा, जहाँ पर भी मेरा काम 70 लाख में हो ही जाएगा। तो अगर मुझे 60 लाख खर्च करने ही है, और देखिए कोई शक की बात नहीं, मैंने सिम्बोसिस का आपको विजिट भी कराया था, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेट सिटी पुणे, कहने को पुणे से आउटस्कर्ट्स में जब आप एड्रेस देखोगे, लेकिन वैसे देखोगे तो आखिरी के 3-4 किलोमीटर ही थे जो थोड़े सुनसान थे, उसके अलावा काफ़ी हरा भरा एरिया था जहाँ से मैं गया था जब मैं इस कॉलेज के विजिट के लिए गया था। पेशेंट फ्लो भी ठीक ठाक हो चुका है क्योंकि वो सिम्बोसिस बसे बसे भेज के एक्चुअली पेरेंट्स को लेकर आता है, और बच्चे भी जाते हैं कैंप लगाने बाहर, और नॉर्मल हॉस्पिटल भी काफ़ी शानदार बनाया गया है। तो आसपास काफ़ी गांव लगते हैं जहाँ से पेशेंट आ रहे हैं, बट डेफिनेटली कस्तूरबा या जो कर्नाटका में बेंगलोर शहर के बीचों बीच अस्पताल हैं, चाहे वो सेंट जॉन्स हो, चाहे वो कैम्बेगौड़ा हो, BGS हो, विदेही हो, उससे मुकाबले का तो पेशेंट फ्लो नहीं है। और मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि एलुमनाई नेटवर्क इन फ्यूचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मतलब ये कोई इतना शानदार कॉलेज नहीं है कि जिसके लिए आप कस्तूरबा या कैम्बेगौड़ा या BGS छोड़ें, राइट? ये मैं हमेशा कहता हूँ। आप में से किसी को ये रहता है कि भाई गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने अपनी बेटी को, तो वो बात अलग है, बट उसके अलावा मतलब द क्वालिटी इज गुड। मैं ये नहीं कहूँगा ओके गुड है, बट डेफिनेटली वी हैव वेरी गुड कॉलेजेस जो आपको मिली जाएंगे अगर आपके उतरे मार्क्स हैं जिसमें आपको सिम्बी की सीट मिल रही है। तो हम सिम्बी की सीट लें या हम कर्नाटका स्टेट के थ्रू सीट्स लें, सेम बजट, राइट? या मणिपाल की, टाटा मणिपाल तो सस्ता ही पड़ता है 75 लाख का, वो लें, तो वो सब है। और खासकर अगर हम खाली स्कॉलरशिप के चक्कर में आ रहे हैं तो फिर तो राइट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया मोटा मोटी ज्ञान। अब इसके अलावा देखिए 9 पेज है, घबराने कोई बात नहीं है। जैसा मैंने कहा कि कस्तूरबा के मुकाबले ये काफ़ी आसान है, उसमें तो हर साल 65% नंबर लेकर आने हैं। इसमें उन्होंने कहा गया है कि आप 80% अटेंडेंस मेंटेन रखिए बस, ठीक है, 80% अटेंडेंस, और हॉस्टल और मेस के पैसे इसमें खुद देने हैं, और कोई भी इनकम का आ रहा हो कोई लिमिट नहीं, जैसे कस्तूरबा में नहीं थी। इट्स ए प्योर मेरिट स्कॉलरशिप नॉट मीन। तो हमें 80% अटेंडेंस मेंटेन करनी है, वो हम कर लेंगे। एक बस अजीब चीज़ है कि देखिए जो इसके रेगुलर एग्जाम्स होते हैं वो आप एक से ज़्यादा मिस नहीं कर सकते, और ये लाइन वही है, इफ द अवॉर्डी फेल्स और डज नॉट अपियर इन यूनिवर्सिटी एग्जाम वंस इन द टोटल टाइम इट इज फाइन, बट इफ यू डू नॉट अपियर ट्वाइस दैट मीन्स आप बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने से भी आप 2 पेपर में नहीं बैठ पाए तो आपकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी। कस्तूरबा में ऐसा रूल नहीं था, उसमें तो यह है कि आपको 65% नंबर लेकर आने हैं हर साल, प्लस वही बात है कि किसी मिसकंडक्ट में ना फंसें, गलत काम करते हुए, अनएथिकल काम करते हुए ना फंसें, तो आपकी स्कॉलरशिप आराम से चलती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें एक और चीज़ भी है जो कस्तूरबा से डिफरेंट है कि आपको 1 साल आफ्टर इंटर्नशिप सर्विस बॉन्ड है, जिसमें भैया आपको नॉमिनल सैलरी मिलेगी, मैं रफली बोल रहा हूँ, 70-80-90 हज़ार रुपये पर मंथ, बट इसमें 1 साल का सर्विस बॉन्ड आपको करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो फिर से आपके सारे पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। सो ये एक और ऑप्शन अवेलेबल है, जैसा मैंने कहा, तो पर आप 1 साल का आपको सर्विस बॉन्ड देना पड़ेगा, तो आपको ये सीट भी मिल सकती है और आप प्रैक्टिकली फ्री में पढ़ सकते हो। अदर देन हॉस्टल में नोट किया ही था कि हॉस्टल और मेस इनके बहुत महंगे नहीं थे, राइट? काफ़ी रीजनेबल इनके हॉस्टल और मेस की फीस है। हॉस्टल डिपो मेस 86 हज़ार रुपये और हॉस्टल 1,26,000 रुपये, तो टोटल 2 लाख रुपये साल के जाने हैं, सो नॉट दैट हार्ड, राइट? पूरे कोर्स के 10 लाख रुपये जो आपको सरकारी में भी मोस्टली देने होते, सरकारी में हॉस्टल की फीस कम होती है, मेस तो उतना पड़ ही जाता है आजकल, बट फिर सरकारी के कमरों की क्वालिटी, और यहाँ तो 5 स्टार थे, वो भी फर्क तो होता ही है ना। हाँ, बट जो सरकारी छोड़ के आना चाह रहे हैं उसके केस में ये हो सकता है। एंड डेफिनेटली अगर आपको अंडमान निकोबार या
एज ए नॉर्थ इंडियन आपको तमिलनाडु के इंटीरियर्स में जाना पड़ रहा है, तो उससे तो बेटर ही फिर ये कॉलेज हो जाएगा ना, उससे बेटर तो मैं कहता हूँ हाँ अगर स्कॉलरशिप मिल जाए ठीक है। तो इसी तरह की सटीक जानकारी, सटीक काउंसलिंग, राइट काउंसलिंग प्लानिंग आपको भी करनी है तो कॉलस 9643362320, यही नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा गया है। और अगेन आई रिपीट, वी डोंट टॉक टू एनी बडी फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा प्रोफेशन है ये। जो भी मैं एज ए जनता जनार्दन आपको ज्ञान देना चाहता हूँ वो मैं यूट्यूब पे दे ही रहा हूँ आपको, सटीक जानकारी, अच्छी जानकारी, ताकि आप फ्रॉस्टर्स के हाथ में ना फंसे। आप फंसना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, बट हमसे बात करनी है तो फीस देनी पड़ेगी आपको 2,500 रुपये फर्स्ट फ़ोन कॉल के, 5,000 रुपये फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग के, और फिर जो हमारे पैकेज हैं वो आप लेते हैं तो जो आपने ये फीस दी वो भी एडजस्ट हो जाती है। ओके, और उस पैकेज का जो लॉजिक है उसका वीडियो भी हमने इस डिस्क्रिप्शन पे लगा रखा है इस वीडियो के, तो आप देखिए। और हमसे हेल्प चाहिए, हमसे सपोर्ट चाहिए, एंड टू एंड सपोर्ट चाहिए। हम सिर्फ एडमिशन तक नहीं, जब तक आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड वापस आते हैं तब तक आपका साथ देते हैं, और उसी बात की हम फीस लेते हैं। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।